ओम वंदे गौ मात्रा। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, एक पुरुष के लिए विवाह की सही आयु क्या होनी चाहिए, इस पर बहुत बार प्रश्न आया है और हमने इस पर थोड़ी रिसर्च की, शोध किया तो पता चला, तो हमने सोचा कि इस विषय पर भी आपको जानकारी दी जाए। मित्रों, इसमें चर्चा हमें थोड़ी लंबी करनी पड़ेगी। ये वीडियो आपको बहुत ही धैर्य से सुनना होगा, क्योंकि हमें चर्चा इसलिए लंबी करनी पड़ेगी क्योंकि जो स्थितियां बदली उस अनुसार जो परिवर्तन किए गए और हमें जो परिवर्तन आए हैं उसमें हमने कहां लाभ कहां हानि हुई है, ये सारी बातें आपको स्पष्ट होनी चाहिए, इसलिए हम इस चर्चा को थोड़ा लंबा कर रहे हैं। तो मुझे आशा ऐसी है कि आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको, ताकि आपको पूरी जानकारी ठीक से मिल सके और आप अपना निर्णय लेने में सक्षम हो सकें कि सही आयु सचमुच विवाह की क्या है। क्योंकि कुछ लोग अलग अलग तरीके से तर्क देते कि भाई कमाना भी है और उसके बाद विवाह करेंगे तो ज़्यादा अच्छा वगैरह वगैरह, बहुत सारे तर्क हैं। पर हमारे पूर्वज ही मूर्ख नहीं थे जिन्होंने कुछ व्यवस्थाएं लगाई थी। तो अब हम चर्चा करते हैं अपने विषय की, क्योंकि ये तो भूमिका हो गई। अब चर्चा पे आते हैं। बात क्या है, हमारे यहाँ हमारी जो जीवन है, एक मनुष्य का जो जीवन है उसको 100 साल का माना गया है और यदि मनुष्य सही तरीके से प्रकृति के नियमों का पालन करे तो 100 वर्ष उसकी आयु सामान्य है। अन्यथा हमने देखा है कि 18 साल के, 17 साल के, 15 साल के बच्चे को भी हार्ट अटैक होकर वो मर जाता है, तो उसके तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो 100 साल की जो आयु एक सामान्य हमारी मनुष्य के शरीर की मानी गई है, उस अनुसार 25-25 वर्ष के 4 आश्रम बनाए गए, जिसमें पहले 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम के हैं, उसके बाद 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम के हैं। तो गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य पालन अनिवार्य बताया गया है। अब जो ब्रह्मचर्य पालन किया जाता था वो कैसे किया जाता था, हम पहले उस पर चर्चा करें। थोड़ी सी चर्चा आपको दूंगी ताकि आपको स्पष्ट हो जाएगा, कि माइंड में स्पष्ट होना आवश्यक है। पहले हमारे यहाँ गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, तो कन्या और कुमार गुरुकुल अलग अलग हुआ करते थे, तो कहीं भी सह शिक्षा नहीं थी। तब जब सह शिक्षा नहीं थी तो विपरीत लिंग के प्रति जो आकर्षण है वो वहाँ कहीं नहीं बनता था। और गुरुकुल जब कुमार गुरुकुल होते थे तो वहाँ पे जो बच्चों को है कड़ी मेहनत करवाई जाती थी, वहाँ संपूर्ण नियम पालन और प्राणायाम आदि सब कुछ विस्तार से होता था और साथ ही उनकी शिक्षा, उनको सारी शिक्षाएं दी जाती थी, उनके मन की, मस्तिष्क की और जो करना चाहते हैं उससे संबंधित सारी शिक्षा उनको वहाँ दी जाती थी, जिससे उनका संपूर्ण और सर्वांगीण विकास होता था। और जो उनका जो वीर्य बनता था वो वीर्य स्खलित ना होकर उनके जो व्यायाम और जो प्राणायाम आदि वो करते थे वो उनकी जो देह की जो समृद्धि है, अर्थात उनकी जो ऊर्जा है, उनका जो सामर्थ्य है उसको बढ़ाने में वो वीर्य उनका काम आता था। तो वो बहता नहीं था, उनका सामर्थ्य बढ़ाता था। तो और वहाँ उनको इच्छा भी नहीं होती थी वीर्य बहाने की, क्योंकि उनके लिए उतना अवकाश ही नहीं था, समय ही नहीं था और ना ही उनकी स्थिति थी। तो सारी बातें वहाँ उस तरीके से थी। उसके बाद समय बदला, गुरुकुल शिक्षा पद्धति से जब बच्चे घर में रहकर पढ़ाई करने लगे तो शायद हमारे समाज के व्यवस्थापकों ने देखा कि विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने एक पद्धति लगाई, बाल विवाह। तो हमारे यहाँ हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चों के विवाह कर दिए जाते थे और ये बच्चे कभी कभी त्यौहार फंक्शन आदि में मिला करते थे, आमना सामना हुआ करता था और बाद में एक आयु के बाद बच्ची को ससुराल विदा किया जाता था। जब वो माँ बनने योग्य हो जाए, अर्थात वो परिपक्व हो जाती थी, तब उसको ससुराल विदा किया जाता था कि अब तुम ससुराल जा सकती हो। तो और उस तरीके से उनका एक दाम्पत्य जीवन शुरू होता था। और ऐसी स्थिति इसके लिए ताकि किसी को भी भटकने का अवसर ना मिले, क्योंकि आज हम उसी उम्र में बच्चों को देखते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने घूम रहे हैं। अभी हम इस विषय पर चर्चा नहीं करें, पर इस विषय पर हमने चर्चा अलग ली है। तो अब हम विषय आते हैं वापस अपने पे, कि अब ये जो बाल विवाह हो गया, अब बाल विवाह कानूनन रूप से अपराध घोषित कर दिया गया है। तो कानून ने तय किया कि भाई 21 वर्ष कम से कम पुरुष की आयु होनी चाहिए, तब उसका विवाह होना चाहिए। लेकिन 21 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक उसकी स्थिति क्या बन जाती है, क्योंकि हमने बहुत से लोगों, क्योंकि मेरे वीडियोस पे जो कमेंट आते हैं, धातुओं के वीडियोस आप देख लीजिए, अधिकांश वीडियो पे आपको कमेंट मिलेगी कि हम किस उम्र से अपने धातु को बाहर रहे हैं, किस उम्र से अपने वीर्य को बाहर रहे हैं। मित्रों, वीर्य मजबूत होना आवश्यक है। लोग कहते हैं हम दिन में 10-10 बार सेक्स करते हैं, आप हमारी वीडियो पर कमेंट पढ़ सकते हैं, हम उस अनुसार आपको बोल रहे हैं, हम कहीं भी हवा में कोई बात नहीं करें। क्योंकि लोगों को जब हम ये कहते हैं तो बोलते हैं आप कुछ भी बोलते हो, हम कुछ भी नहीं बोलते, जो हम पढ़ते हैं, जो हम आपके कमेंट्स के रूप में देखते हैं, हम वही आपको रिप्लाई देते हैं। तो जो ऐसा करते हैं उनका वीर्य कितना कमजोर होता है, उनके बच्चे कैसे होते हैं, वो आप उनके घर जाके देख सकते हैं। और जो ऐसा जो कमेंट कर चुके हैं और वे वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपने रामकृष्ण को पैदा नहीं किया है। और रामकृष्ण पैदा करने के लिए
वीर्य आपका मजबूत होना आवश्यक है, आपकी संतान शक्तिशाली हो इसके लिए आपके वीर्य का मजबूत होना आवश्यक है। तो जब तक विवाह नहीं होता है तब तक आपको अपने वीर्य को संरक्षित रखना ही आपके लिए परम आवश्यक होता है, तभी आप किसी एक अच्छे एक उत्तम संतान को जन्म दे सकते हैं। अन्यथा आप अपने आसपास देख लीजिए, रोगी बच्चों की कमी नहीं है, क्योंकि वो वीर बहाने वालों के बच्चे रोगी ही होते हैं। तो ये बात सारी यहाँ से स्पष्ट होती है। अब 21 वर्ष की आयु, जो 25 वर्ष की आयु, उस समय तक कई बार कैरियर नहीं बन पाता, क्योंकि आज हम देखते हैं कि हमारा जो समाज है एकल समाज होता जा रहा है, हर कोई अकेला रहना चाहता है, हर कोई बस हम पति पत्नी और बहुत से वक्त एक दो बच्चे, बस इसी को लोग परिवार मान लेते हैं। माता पिता आजकल माता पिता तो कहीं परिवार में शामिल होते नहीं, तो दादा दादी नाना नानी परिवार में, चाचा मौसा मौसी कहाँ शामिल हो जाएंगे। तो हमारे परिवार बहुत संकुचित रह गए हैं, और ऐसी स्थिति में जब एक व्यक्ति सोचता है कि अरे मुझे कैरियर भी बनाना है, उसके बाद मैं शादी करूं विवाह करूं, तो ऐसी स्थिति में उसकी आयु बहुत अधिक हो जाती है, क्योंकि विवाह करना मात्र, एक नौकरी लग गई और विवाह कर लो तो आप साधन नहीं जुटा पाते, और साधनों के अभाव में आप जो सोचते हैं कि ऐश करेंगे वो ऐश नहीं कर पाते हैं, और ऐसी स्थिति में आपकी विवाह की आयु निकल जाती है। मित्रों, विवाह की जो आयु निकल जाती है उसके बाद यदि बच्चे जन्म लेते हैं, शिशु बच्चा जो जन्म लेता है वो भी कमजोर होता है। मित्रों, किसी भी क्रिया को, किसी भी कोई भी जो व्यवस्था बनाई है ईश्वर ने, उसकी जो आयु बनाई है उसके कुछ कारण हैं, क्योंकि उसी आयु में वो चीज़ सही तरीके से हो सकती है। यदि आप उससे देर करते हैं तो कुछ ना कुछ विकार अधिक अवश्य होते हैं। यदि आप विकारों से बचना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका वीर ना भाई, यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतान निरोगी हो, तो आपको सही उम्र में, सही आयु में विवाह करना चाहिए। सही आयु हमने जैसा कि बताया 21 से 25 वर्ष की आयु आप सही मान सकते हैं, लेकिन आप इस समय हम कमा नहीं पाते हैं। तो आप एक, हमारे यहाँ कभी भी ये नहीं कहा गया कि एक लड़का और एक लड़की विवाह करते हैं, हमारे हमेशा ये कहा जाता है कि दो परिवार जुड़ते हैं। यदि दो परिवार जुड़ते हैं, दो परिवार जुड़ के रहते हैं, तो कभी भी आपके लिए समस्या नहीं आएगी। लेकिन होता क्या है ना कि आज सबके अहंकार इतने बड़े हो गए हैं, सबके अहंकार इतने ऊंचे हो गए हैं कि कोई जरा सा झुकना नहीं चाहता, और ना झुकने की स्थिति में आप एकल रहना, अकेले रहना चाहते हैं, आप किसी को किसी का बंधन नहीं मानना चाहते। यदि आप बंधन नहीं चाहते हैं तो आप अपना धोवन करते रहेंगे, आप अपने आप को मात्र धोते रहेंगे, और जब आपकी संतान होगी उसको आप हॉस्पिटल के धक्के खिलाते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं, क्योंकि निर्णय आपको करना है। हम मात्र आपको विषय बता सकते हैं कि आप ऐसा है ऐसा, इसका परिणाम ये, इसका परिणाम ये है, और निर्णय तो आपको करना होगा। क्योंकि आप यदि हमसे पूछें हमारी ऐसी स्थिति हम क्या करें, हम आपको कोई निर्णय नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी स्थिति में हम कभी खड़े नहीं हो सकते, आपके सारे विषयों को हम कभी जान नहीं सकते। यदि हम आपके विषय को नहीं जान सकते तो हम आपको निर्णय नहीं दे सकते, सीधी सी बात है। तो यदि आप निर्णय करना चाहते हैं, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार निर्णय करिए, और साथ ही यदि आप धातु रोगी हो चाहे यदि कोई अन्य रोग है, धातु रोग है तो हम अलग अलग प्लेलिस्ट है, हमारी धातु रोग पर भी प्लेलिस्ट है, और हमने बहुत सारे वीडियोस के लिए, बहुत सारे रोगों के लिए बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई है। अलग अलग प्लेलिस्ट में बहुत सारे रोगों पर बहुत सारे वीडियोस हैं, और सभी वीडियोस में हमने पॉइंट्स आदि कैसे दबाने वो बताया, साथ ही हर वीडियो के विवरण में नियम पालन प्राणायाम विस्तार से दिया है। वो नियम पालन प्राणायाम की वीडियो ऐसे हैं जो हर वीडियो में मिलेंगे, और वो करने से आपकी देह मन मस्तिष्क विचारों से संबंधित सभी प्रकार के, बाल झड़ने से लेकर कैंसर कैसे भी गांठ, सबका समाधान आप कर सकते हैं। वो ऐसे वीडियो हैं, उनका पालन करिए और अपने रोगों का समाधान करिए। कोई प्रश्न है तो टिप्पणी वीडियो पर करिए, उत्तर आपको जल्दी मिल जाएगा। मात्र नंबर मांगने के लिए टिप्पणी ना करके हमें नंबर दे दीजिए, हमें आपसे कुछ पूछना है, अपना विषय डालिए, अपना आपकी समस्या डालिए, तो आपको समाधान मिलेगा, वरना हम आपको कभी भी नंबर नहीं देते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।